अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि जो सी टेक का सॉफ्टवेयर है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड करना है। देखते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं सी टेक के और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो सी टेक का सॉफ्टवेयर है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के थ्रू। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपने कैसे सी टेक का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है XFP सॉफ्टवेयर। XFP सॉफ्टवेयर जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। आपने जो सबसे पहला जो लिंक है सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ये वाला आपने ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। सी टेक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, XFP एड्रेसिबल फायर पैनल सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये दो लूप और सिंगल लूप के पैनल का सॉफ्टवेयर है XFP। दूसरे नंबर पे ZFP है, ये चार लूप के पैनल का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह AFP है, ये भी चार से छः लूप के पैनल का सॉफ्टवेयर है, मतलब डिफरेंट है। XFP और ZFP जो दो जो मेजर यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो XFP का वर्जन है वो 6.9 है। और इसी तरह अगर हम ZFP के वर्जन की बात करें तो ये है 7.7 वर्जन है इसका। तो अभी हमने डाउनलोड करना है। सिंपल आप डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फिल कर लेनी है। आपने नेम मेंशन करना है, कंपनी नेम मेंशन करना है, पोस्टल कोड इसमें मेंशन करना है, और जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे हैं वो सारी आपने इसमें कंप्लीट कर लेनी है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, कंट्री मेंशन कर लेना है। जब आप ये जो फॉर्म है ये फिल करने के बाद आपने जो है वो सबसे डाउन पे जाके सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर रिसोर्स, आपने क्लिक हेयर क्लिक करना है यहाँ पे, और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड कर रहे हैं वो XFP का सॉफ्टवेयर है, जो दो लूप का या सिंगल लूप का पैनल है उसका जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप ZFP भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री हैं, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तो अभी ये डाउनलोड हो चुका है, अभी मैंने इसको ओपन करना है। बेसिकली ये रार फाइल है, रार फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट मैं करूँगा इसको डेस्कटॉप पे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसको जो है वो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करूँगा। तो अभी मैंने इसको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अभी मेरे पास डेस्कटॉप पे इसका जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी ये देखें मेन सेटअप आ गया है। तो अभी आपने इस तरह का आपके पास सेटअप आएगा, आपने इसको सिंपली जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। वही 6.9 वर्जन है, तो इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। जिस भी आपने इसको जिस भी फोल्डर में डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल करना है। अभी ये देखें मॉडिफाई का पूछ रहा है, रिमूव रिपेयर का। ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो मैं इसको मॉडिफाई ही करूँगा। मॉडिफाई करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट, जब आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस नहीं आएंगे। अभी ये देखें XFP का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर मैं इसके वर्जन की बात करूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो वर्जन है वो 6.9 है। तो आपने भी इसको इस तरह डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर आपने डाटा रिट्रीव या इस पर वर्किंग कैसे करनी है वो ऑलरेडी मेरी वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।